सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइटरूम ऐप की मदद से कुछ इसी टाइप की फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल 4 स्टेप में। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल 4 स्टेप में कर लेगा लाइटरूम ऐप की मदद से। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि आप ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे अगर वीडियो को लास्ट तक आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने के बाद सिंपल से शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो देख लिया गाइस, हम लोगों का फोटो तो ओपन हो चुका है और साइड में आप लोगों को एडिटिंग के भी ऑप्शन मिल गए हैं। और वीडियो के शुरू में ही आपका भाई एक बात बता दे कि वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप आपका भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे साइड में स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद सिंपल से हम लोग इफेक्ट के आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों, कर लेने के बाद यहाँ पे हम अपनी फोटो को फुल HD बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इसकी टेक्सचर की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करके 12% कर लेंगे प्लस साइड में, डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे और इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना -46% कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही ना आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने अपनी फोटो को HD बनाया है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, इसी फोटो की मतलब लाइट को हम लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट करने वाले। वो कैसे किया जाता है आगे आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ऐसे साइड में स्क्रॉल करेंगे तो लाइट वाले आइकन पे क्लिक करते ही आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर लेंगे और इसकी हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -37 कर लीजिएगा। शैडो की वैल्यू आप लोग ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से ना प्लस साइड में 23% कर लीजिएगा। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, तीसरा स्टेप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर ये स्टेप आप मिस कर देते हैं तो आप कभी भी उस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे जिसमें हम लोग अपनी ना फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले। वो कैसे किया जाता है, चलिए आगे आपको भाई बताता है। तो उसके लिए आपको सिंपल से ना यहां से कलर्स के आइकन पे जाना होगा और जाने के बाद इसकी ना टेंप की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करके प्लस साइड में यहां पे मैं क्या करता हूं, 24% कर लेता हूं और इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके ना -21% कर लेता हूं और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू मैं ऐसे इंक्रीज करके ना प्लस साइड में 40% कर लेता हूं। देन दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, ऊपर साइड में कोने में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यहां पे बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और काफी भाई यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए वो फोटो को एडिट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को यहां पे अच्छे तरीके से वीडियो को देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का रेड कलर यहां पे सिलेक्ट मिलेगा, तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करके प्लस साइड में 14% कर देंगे। देन दोस्तों, सिंपल सा इसके बगल वाले कलर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है ऑरेंज कलर, और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहां से -33 कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 26% कर देंगे। देन दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा, आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी ह्यू की वैल्यू हम लोग पूरा डिक्रीज करके -100 कर देंगे, सैचुरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 और ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -28% कर देंगे। देन दोस्तों, इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना होगा और इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे। इक्वा ब्लू कलर को लेंगे, इसकी भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। देन दोस्तों, इसके बाद आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100 करके और सिंपल डन क्लिक कर देंगे। और ये सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल गई होगी। तो गाइस, अभी हम लोग अपनी फोटो के अंदर टोन को डालने वाले। वो कैसे डाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए आपको मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग हाईलाइट में चले आएंगे और आने के बाद इसकी ह्यू और सिचुएशन को अच्छे तरीके से मिलाएंगे।
कैसे मिलाया जाता है, आप अपने फिंगर से पकड़ के ऐसे इसे रगड़ के थोड़ा सा ऐसे घसीट के ब्लू साइड में लेकर आइएगा, और आने के बाद देख सकते हैं ना गाइस ऐसा पूरा नीचे आइएगा, और इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके पूरा 100% कर लेंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -33 कर लेंगे, और इसकी बैलेंस को ना हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 17% कर देंगे, और यहाँ पे इसकी ह्यू की वैल्यू 218 रखा हूँ और सेचुएशन को 36, और सिंपल से आप लोग को शैडो में आके और इसे थोड़ा सा पकड़ के हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे हम लोग थोड़ा सा ब्लू साइड में कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और कर लेने के बाद क्या करेंगे इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे कम कर देंगे, और कम करके -57 करके और सिंपल डन क्लिक कर देंगे, और तीसरा स्टेप भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो चौथे स्टेप में हम अपनी फोटो के अंदर डिटेल्स को डालने वाले हैं, तो इस वाले स्टेप को आप कतई मिस मत कीजिएगा। तो उसके लिए हम लोग डिटेल्स के आइकन पर जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से 33% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 40%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 23%, कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 21% कर लेंगे, और स्मूथनेस आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे 71% कर लेता हूँ, और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगी जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल HD में सेव करने के लिए ना शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।